थोड़ा सा काला तिल लेकर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाकर जल झेल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल चढ़ाकर उसको वापस उठाकर लेकर आ जाइए। वो काली तिल का दो दाना बाबा से औषधि समझ कर लेकर आना, बाबा इसको औषधि कर दो। दो दाना काली तिल, बस दो दाने से ज्यादा नहीं, सुबह मुख में रखकर इसको चबा लो, खा लो दो दाना। और रोज जल चढ़ाने तो जाते ही हो, थोड़ा सा जल चढ़ाकर वापिस लोटे में या अंजलि में लेकर आचमन कर कर हर हर महादेव कहकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आओ तो अपने घर में जल चढ़ाकर उसको पहचानो। श्वास दमा चल रहा है, श्वास बहुत चल रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आप देवाधिदेव महादेव के पास एक लोटा पानी लेकर जाइए। एक महीना, 15 दिन, 20 दिन, अब देवपाल पर की कथा को कितना समय हुआ होगा तुम बताओ, अभी हुई होगी देवपाल पर की कथा, पर उस पर श्वास पूर्ण और ध्यान से सुन लेना। जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना, बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। दो चार हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है, वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो, तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना, रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लिए उसी पात्र से। अब जो अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो, हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब सब घर में ठीक हो जाएगा। करो तो शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिए, दो बार चढ़ाओ, हफ्ते में एक बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में दो बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पर जल चढ़ाया आया, जैसे ये शिवलिंग इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहाँ गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है, आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते महीने में एक बार या दो बार, शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। पर चढ़ाना शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता। ध्यान दीजिएगा जरा, तुम्हारे घर में फूल माला जो इकट्ठी होती है, तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है। केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता, और घर
के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती बेटा जाते जाते मैं तालाब में थोड़ा सा डाल जाना या कुएं में डाल जाना या वहां पानी में डाल देना या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था, जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा हुआ हो, उतरा हुआ, या मंदिर में कहीं पोछा लगाने की जरूरत पड़ जाए, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, कोई कचरा पड़ा हो उसको उठाकर रखने की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार कर देखना, मात्र कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन कर देखना, जिंदगी में कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हो आपको सब मालूम पड़ जाए। घर में जिसके घर में कभी शांति रहती नहीं है, लक्ष्मी बहुत है पर शांति नहीं, घर में गिने चुने पति पत्नी है, सास बहू है, जेठानी है, उन्हीं में शांति नहीं, क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, अपने घर में रोज झाड़ू निकलती है, झाड़ू के ऊपर से रविवार के दिन 5 बार नमक को, नमक की दिल्ली आती है बड़ी खड़ा नमक, उसकी एक दिल्ली उतार के 5 बार शंकर जी का नाम लेकर बाहर फेंक दो, जिंदगी में कभी झगड़ा ही नहीं हो सकता घर में, भाई भाई नहीं झगड़ेगा, देवरानी जेठानी कभी नहीं झगड़ सकती, आपस में इतना प्रेम होगा कि लगेगा आपको भी कितना प्रेम कैसे, क्योंकि पार्वती जी और पार्वती जी की ननन की कभी नहीं बनती, शंकर जी की बहन बहन भगवान शिव की बहन बहन पर पार्वती से कभी नहीं बनती थी, बहुत झगड़ा होता था, पर शंकर भगवान कैसे थे जिन्होंने लीला को रच कर नमक ढेल का रूप भगवान शिव का धारण कर और ढेल को गुआरी पर निकाल कर फेंका, घर में आनंद सुख की अनुभूति हो, वो नियम आज तक चल रहा है, केवल एक नमक की डिगली लो, जो झाड़ू रोज निकलती है घर में, वो झाड़ू के ऊपर से 21 बार घुमाओ, 5 बार घुमाओ और बाहर डालो, घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता कभी। यहाँ तक कहते हैं कि पति और पत्नी में विवाद चल रहा हो और तलाक की बात हो गई हो, तो भी अगर उसके घर की जिस ससुराल में बैठी रियाई है उस ससुराल की झाड़ू पर से नमक की डेली 2-4 बार उतार लो, अपने आप शांति हो जाएगी, पति पत्नी में फिर प्रेम बढ़ जाएगा। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग, शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए, उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए, उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए, और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए, आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी, ये बटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, बटकेश्वर। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।